आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी जो हमारी डेली खाने में बहुत यूज़ होती है। ये हमारे फूड के टेस्ट को एनहेंस करेगी। इसको हम किसी भी पकोड़े, पराठे, नान या पापड़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है अगर सब इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं तो। इसको ग्राइंड करने में 2-3 मिनट्स ही लगेगा। लेट्स मेक 2 टाइप्स ऑफ ग्रीन चटनी। फर्स्ट वन इज दही वाली हरी चटनी। इसमें हमने दही ऐड करनी है चटनी बनने के बाद। और सेकंड वन इज खट्टी मीठी चटनी। इसमें हमने टैमरिन पल्प एंड शुगर ऐड करना है। दोनों के लिए इंग्रेडिएंट सेम ही होंगे। ग्राइंड करने के बाद फर्स्ट वन में हम कर्ड ऐड करेंगे एंड सेकंड में हम टैमरिन पल्प एंड शुगर ऐड करेंगे। टेस्टी ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ग्राइंडिंग जार। अब इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा एंड 1/2 कप मिंट लीव्स। इसको आप अच्छे से धो लेंगे एंड 2 कप ग्रीन कोरिएंडर। इसको हमने डंडी से डालना है। इसकी जो स्टिक्स हैं वो भी हमने चटनी में यूज़ करनी है। जो नीचे वाली हार्ड स्टिक्स होंगी उसको आप काट सकते हैं। और धनिया को अच्छे से धो लेना है आपने ताकि धनिया में जितनी मिट्टी है वो निकल जाएगी, वरना चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें डालते हैं सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा। अब हम इसको पहले ग्राइंड करेंगे। कर्ड को हम बाद में ऐड करेंगे इसको ग्राइंड करने के बाद। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। वाओ, इट्स लुकिंग नाइस। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अगर हमें कर्ड चटनी बनानी है तो अब हम इसमें 4 टेबल स्पून कर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करिए। इसमें मैंने हंग कर्ड ऐड किया है। आप कर्ड को 30 मिनट के लिए हैंग कर लेंगे। अगर हंग कर्ड नहीं होगा तो चटनी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा लिक्विड हो जाएगी। ये देखिए हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आया है। आप इसको सैंडविच के साथ या नान के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। दही वाली हरी चटनी बनकर तैयार है। इसके लिए सबसे पहले जो हमने धनिया पुदीने को ग्राइंड किया था वो हम बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप टैमरिंड पल्प ऐड करेंगे एंड 3 टेबलस्पून शुगर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी खानी है तो आप उसमें शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और स्पाइसी खानी है तो आप इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी खट्टी मीठी हरी चटनी बनकर तैयार है। इसको भी आप अपने खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं। खट्टी मीठी हरी चटनी को आप 4-5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और दही वाली चटनी को आप 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि दही वाली चटनी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। अब दोनों चटनी बनकर तैयार है। आप दोनों चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।